Hello and welcome to my channel Travel for Life. And today I'm traveling from Heathrow Terminal 4 to Bangalore, and I will show you the process. Okay. सबसे पहले आपको टर्मिनल 4 में एंटर करना होता है इन गेट्स के द्वारा, और उसके बाद आपको यहाँ पे अलग अलग जोन दिखते हैं और हर जोन के लिए अलग अलग एयरलाइंस का प्लेस फिक्स्ड होता है। तो ये कतर एयरवेज का जोन है और यहाँ पे ये जो मशीन्स देख रहे हैं, इन मशीन से आपको अपना बोर्डिंग पास मिलता है और आपको अपना पासपोर्ट वेरीफाई करना होता है। जैसे ही आपका पासपोर्ट वेरीफाई हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे लोग लाइन में लगे हुए हैं अपना पासपोर्ट प्रिंट करने के लिए। जब आपका नंबर आएगा, आपको स्टाफ बोलेगा, तो आप जाके अपना बोर्डिंग पास आप प्रिंट कर सकते हैं इन मशीन्स के द्वारा। उसके बाद आपको अपने बैग को चेक इन काउंटर पर ले जाके अपना बैग ड्रॉप करना होता है। ठीक है, तो ये सारे चेक इन काउंटर, यहाँ पे आप अपना बैग ड्रॉप कर दिया, और जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो आप डिपार्चर गेट की तरफ मूव करते हैं और फिर वहाँ पे आपका सिक्योरिटी चेक होता है। तो सिक्योरिटी चेक का वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वो अलाउड नहीं होता है। तो ये डिपार्चर गेट्स होते हैं और ये डिपार्चर गेट से हम अंदर जा रहे हैं और सामने में ही सिक्योरिटी चेक होगा। वहाँ पे आपको अपना सारा बैगेज वगैरह जो हैंड बैगेज चेक कर। अभी जो हमारा सिक्योरिटी है वो कम्प्लीट हो गया है, पीछे में देख रहे हैं सिक्योरिटी कम्प्लीट हुआ, और उसके बाद हम यहाँ पे ये पूरा आपको ड्यूटी फ्री शॉप्स मिलेंगे। यहाँ पे आप शॉप के बाद आप आगे देख सकते हैं। तो जब आप सिक्योरिटी चेक में, आपको बता दें कि सिक्योरिटी चेक में कभी कभी लाइन जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। और आपको अपने सारे बैगेज पर सब कुछ, आपको जैसे हर जगह होता है सिक्योरिटी चेक, आपको सब कुछ निकाल कर ट्रे में डालना होता है और वहाँ पे आपका वो चेक होता है, और उसके बाद आप बाहर आ जाते हैं। वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं चेक किया जाता है, ठीक है, सिर्फ आपका सामान, जो आपका जो बॉडी है उसको चेक किया जाता है, और जो आप हैंड लगेज ले जाते हैं उसको चेक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम सिक्योरिटी चेक के बाद आप यहाँ पे, आपको लॉन एरिया होता है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, अपने गेट्स के पास जा सकते हैं जहाँ से आपका फ्लाइट के लिए बोर्ड किया जाएगा, तो वहाँ पे बैठ के आप अपना इंतज़ार कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा आपको ड्यूटी फ्री शॉप्स, आपको काफ़ी टर्मिनल 4 भी काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे आपको बहुत सारे ड्यूटी फ्री शॉप्स मिलेंगे, वहाँ पे आप अपना शॉपिंग कर सकते हैं। और ये जो टीवी लगा होता है, यहाँ पे आपको गेट्स अनाउंस होते हैं। अगर आप बहुत पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं तो आपको गेट नंबर नहीं मेंशन आता है टिकट पे, तो आपको उस टीवी को देख के ही अपना गेट नंबर पता करना होता है। तो वो जनरली जो उड़ान भरने से 1-2 घंटे पहले उस पर बताते हैं, तो आपको कंटिन्यूसली चेक करना होता है। तो ये वेटिंग एरिया है, आप यहाँ बैठ के वेट कर सकते हैं। मेरी फ़्लाइट जो थी वो काफ़ी मॉर्निंग की थी, अराउंड हम 6 or 7 o'clock मॉर्निंग पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे अभी आपको क्राउड थोड़ा कम मिलेगा, और जनरली आपको एडवाइज़ किया जाता है कि आप कम से कम 3 घंटे पहले एयरपोर्ट ज़रूर पहुँचें, क्योंकि कभी कभी आपको थोड़ा टाइम लग जाता है सिक्योरिटी चेक में स्पेशली। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप यूके से इंडिया जाते हैं वाया गल्फ कंट्रीज़, तो आपको किसी भी ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप वाया यूरोप जाते हैं तो आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास सेंजन वीज़ा है तो ट्रांजिट वीज़ा की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब भी आप फ्लाइट लेने जाओ, उससे पहले आप ज़रूर चेक कर ले कि आपका जो इंटरमीडिएट जो लोकेशन है जहाँ पे आपको फ़्लाइट चेंज करना है, वहाँ पे वीज़ा लगता है या नहीं। कतर एयरवेज के प्लेन में हम बोर्ड कर चुके हैं। सबसे पहले आपको ये बिजनेस क्लास का सीट्स दिखेंगे, यहाँ पे प्रॉपर टीवी होता है, और उसके बाद आपको इकोनॉमिक क्लास का सीट्स दिखता है। हर सीट पे आप देखेंगे आपको एक पिलो मिलेगा, एक ब्लैंकेट मिलेगा और एक हेडफोन मिलता है, और सामने जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे होते हैं कतर एयरवेज के। उस समय फुटबॉल का मैच होने वाला था, तो आपको कतर एयरवेज कतर 2022 का वो आपको बैनर दिख रहा है हर सीट के पीछे। ये टीवी है जो इन फ्लाइट टीवी, वो काफ़ी अच्छा था, और रिमोट वगैरह भी वर्किंग थे बहुत सारे। आपको हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, और कुछ टाइम बाद, मतलब अराउंड 1.5 or 2 hours बाद हमें लंच प्रोवाइड किया जाएगा। ये देखिए हमारी लंच हमारे सामने आ चुकी है, और इसमें आप देखेंगे एक मेन कोर्स रहेगा, एक आपको क्रोसॉन रहेगा, कुछ फ्रूट सैलड रहेंगे, कर्ड रहेगा, और आप टी या कॉफ़ी ले सकते हैं, और एक वाटर बॉटल रहता है। लंच ओके था, बट ठीक है। और ये आपका मेन कोर्स का पार्ट रहेगा, तो ये काफ़ी टेस्टी था। एग्जैक्टली तो पता नहीं चला ये क्या है, बट इट वॉज़ वेरी टेस्टी, और ये वेज आइटम्स है। इनका जो इन फ्लाइट एक्सपीरियंस जो होता है, जो फ्लाइट का जो स्टेटस देता है, ये काफ़ी अच्छा होता है। स्नैक्स का टाइम हो गया, और हमारे लिए यहाँ पे एक पिज्ज़ा मिला है, और फ्लाइट में 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट लैंड कर जाएगी। सो टोटल जो टाइम लगता है वो लगभग 7 hours लगता है लंदन टू दोहा।
कुछ टाइम बचा हुआ है मेरे को फ्लाइट से उतरने के लिए। हमारी फ़्लाइट दोहा एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है और अभी हम डिबोर्ड हो रहे हैं, और इसके बाद हम 2 घंटे बाद हम अपनी इंडिया की फ़्लाइट, जो बैंगलोर की फ़्लाइट है, उस पर हम जाएंगे। वो भी कतर एयरवेज का है। आप यहाँ कतर एयरवेज के सीट्स को देख सकते हैं, ये सीट काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। यहाँ पे प्रॉपर टीवी लगा होता है, रिक्लाइनर टाइप का सीट्स होते हैं, तो काफ़ी अच्छा होता है। बिजनेस क्लास की जो सीटें होती हैं। अब हम दोहा एयरपोर्ट पे आ चुके हैं और ये सामने ऊपर आप देख रहे हैं, मेट्रो ट्रेन से एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं लोग, और नीचे में ये एस्केलेटर लगे हुए हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब हम यहाँ वेट करेंगे अपने अगले फ्लाइट के लिए, जो कि 2 आवर्स के बाद है, और उसके थ्रू हम दोहा से बैंगलोर के लिए रवाना होंगे। अब हम प्लेन में बैठ चुके हैं दोहा एयरपोर्ट पे और ये हमें बैंगलोर लेकर जाएगा। तो आशा करते हैं आपको मेरा ये जो ट्रैवल ब्लॉग है फ्रॉम लंदन हीथ्रो टू बैंगलोर, ये काफ़ी पसंद आया होगा वाया कतर एयरवेज। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं आपको अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।